पाँच साल रहे, हमारा काज दोबारा कैसे हो गया जबकि कमलनाथ जी ने माफ कर दिया। है तो यहीं के लोग बाग हैं चुनने के लिए, तो यहाँ के हैं तो इस बार हो रहा है। व्यापक घोटाला हुआ, पटवारी पटवारी घोटाला हुआ, मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, अब हम लोग क्या करेंगे जब बेरोजगार रहेंगे। इस बार क्या है आपके मन? हमारे मन में तो साइकिल आना चाहिए। और जो ये लंबी लंबी झाड़ा देते हम नहीं मानते इस बात को। हम तो यही में हैं सपा में, सपा में दौलत। हम गणेशपुरा गांव आए हैं, यहाँ भी यादव बहुल है क्योंकि इस गांव में लगभग 600 वोटर है। बात करें तो यादव बहुल गांव है। यहाँ यादव जो है उनसे बात करेंगे कि यादवों के मन में इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार जो वोट करेंगे किसकी ओर करेंगे, क्योंकि सब लोग बात करते हैं जातिवाद की। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यादव लोग खड़े हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वृद्ध हैं। इन यादवों में से एक पूर्व सरपंच भी हैं, उनसे ही बात करना शुरू करेंगे कि इस बार यादवों के मन में क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल 17 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। दादाजी राम राम, आपका नाम क्या है? नारायण सिंह। नारायण सिंह यादव जी जी पूर्व सरपंच है जी। किस तरह इस बार के 23 के चुनाव में आपके मन में क्या है, क्या तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि 17 तारीख को वोट डालना है। वोट डालने से पहले आपके मन में कई विचार आए, कई पार्टियां आई, कई चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। इस बार यहां से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और सपा भी मैदान में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो इस बार जैसे तिवारी जी को यहाँ से सपा ने प्रत्याशी उतारा है, तो क्या यादव बहुल गांव है, यादवों के मन में क्या? ऐसा है कि यहाँ का चुनाव जो महाराजपुर क्षेत्र का की सीट पर है, ये जो है फंस गया है। अब इसलिए फंस गया है कि पहले तो नहीं फंसा था, जब से ये तिवारी जी आ गए तब से अब फंस गया है। तो अब ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी सीट निकलेगी। अब पहले क्या था, जब तक तिवारी जी नहीं आए जब तक क्या था? पहले तो ऐसा था कि दो मानी भाई पार्टी दो थी, तो दो में से एक निकलेगी। दौलत तिवारी युवा नेता है, युवा नेता है, लोग कहते हैं उनका नाम ज़्यादा चर्चा में नहीं है विधानसभा में। ये तो ऐसा है, विधानसभा में नहीं है, यहाँ कौन विधानसभा ना है, तो जनता है। तो विधानसभा में तो ये गांव है ना महाराजपुर में है, तो यहीं के लोग बाग हैं चुनने के लिए, तो यहाँ के है कौन वहाँ के। तो इस बार आपके मन में क्या है, दौलत तिवारी या फिर कामाख्या प्रताप सिंह राजा वो राजा हैं? और दूसरी बात करें तो यहाँ नीरज दीक्षित हैं जो वर्तमान में। हाँ जी वर्तमान हैं। हमारा तो ऐसा है कि सभी से संबंध है, जो भी आया वो भी हमको अच्छा है। मगर मन में क्या है, यादवों की मन की बात हम जानना चाहिए। अब सभी यादव बतलाएंगे या क्या, मैं सभी यादवों की थोड़ी बतला सकता हूँ। तो सब लोग बोलेंगे क्योंकि तो, आप सरपंच रहे पूर्व, तो आप अपना अनुभव शेयर करिए ना। अब ऐसा है कि हाँ दौलत आ सकते हैं, आना चाहिए, वो अच्छे भी है। आएंगे वो, आएंगे दौलत, आएंगे इस बार। तो दौलत सपा की साइकिल पर बैठ के सवार हुए हैं, तो कहीं अखिलेश यादव पे यादव तो नहीं कहीं जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे नहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इस बार अखिलेश का साथ देंगे। हाँ। और इस बार दौलत तिवारी के साथ जाएंगे, आपका कहना है? जी हाँ। और भी है हमारे साथ, हम उनसे भी बात कराएंगे आपकी। आप क्या नाम देते हैं? पवन सिंह यादव। पवन सिंह यादव, इस बार क्या है आपके मन में? हमारे मन में तो साइकिल आना चाहिए, साइकिल आना चाहिए। साइकिल का प्रत्याशी बहुत दमंग है। अच्छा, कैसे दमंग है? अच्छा प्रत्याशी है, जो लड़ने योग्य है। अरे ये बने रहने का करो, जो रह गाँव गिनर किसी ने संभाली है क्या, बताओ? आपकी बहुत दिक्कत है, दिक्कत है। तो दौलत तिवारी अच्छे हैं, अपने अखिलेश सिंह यादव जी की पार्टी है, जो यादव का उमंग का काम है। तो क्या नीरज दीक्षित के 5 साल में कोई विकास काम नहीं है? नहीं, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। उनके जब अब कामाख्या की बात करें, उनके पिताजी मंत्री भी रहे यहाँ कांग्रेस, फिर वो भाजपा में गए। अब हम हमारे की बात नहीं कर सकते, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी कांग्रेस से किसी ने विकास किसी ने क्या किया बताओ, आप देख रहे हैं। बीजेपी तो लगातार कहती है हमने विकास किया, कुछ नहीं इस गाँव में नहीं हुआ, जहाँ करो हुआ सो करो। पंचायत में वही तो बात करे, ग्राम पंचायत में विकास नहीं हुआ। ग्राम पंचायत की बात ठीक है, कोलाह पंचायत ठीक है, लेकिन कोलाह में होगा, इस गांव में तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, यादवों के जो बात चलती है कि यादव इस बार सपा में नहीं जाएंगे, नीरज के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो क्या है इस बार?
जी है, देखो बार बार देख लिया इन लोगों को खड़ा के मैदान में आया जीत भी है, लेकिन इस गांव में आप भी आए हो, आप वर्कारी वर्ग है, देख क्या कंडीशन है। ठीक है, और जो ये लंबी लंबी झाड़ा देते हम नहीं मानते इस बात को। ठीक है, इतनी जनता को कौन संभालेगा, जे सब डरा है, सब मचा पड़ा हुआ है, ये खाद की बोरी ले तो कितनी किसान भी परेशान है। आप बताइए हम क्या करें, आप ही एक जवाब दो ना। हम नहीं, आप ये बताओ कि इस बार 23 के चुनाव में आप किसके साथ जाएंगे? अब ना सही बात कर रहे, तो हम तो अखिलेश जी के साथ जाएंगे, बस अखिलेश जी के साथ जाएंगे या दौलत तिवारी के साथ? वही दौलत तिवारी, वही सपा सपा। दादा आपका अनुभव ज्यादा होगा, बहुत पुराने हो गए हो। हाँ, हम तो वही में जो है सपा में, सपा में दौलत तिवारी। दौलत तिवारी मतलब इस बार का चुनाव जो जातिवाद पे होगा का? हाँ ठीक जी सर, आपके मन में बहुत जी। मैं दौलत तिवारी के साथ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि 1.5 साल कांग्रेस पार्टी रही, 1.5 साल में मेरा कर्ज माफ होने के बावजूद भी सोसाइटी का, वो भी जैसे भाजपा पार्टी आई तो उसके बाद फिर से दोहरा दिया वही कर्ज, दोबारा आज जाके 2 लाख पहुँच गया। बल्कि जो माननीय कमलनाथ जी हैं उन्होंने माफ कर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार आई 1.5 साल के बाद तो फिर से दोबारा कर्ज हो गया, जबकि कमलनाथ जी ने माफ कर दिया। तो पिछली बार क्या था, पिछली बार अखिलेश जी से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था क्या? नहीं उतारा था, लेकिन वो उस लायक नहीं थे। इस बार दौलत तिवारी जी माननीय है और लायक भी है, उन्हीं को वोट जाएगा मेरा जी। तो नाराजगी, 5 साल नाराजगी आपको नीरज दीक्षित से? नाराजगी नीरज दीक्षित से ही है, 5 साल रहे, हमारा कर्ज दोबारा कैसे हो गया जबकि कमलनाथ जी ने माफ कर दिया। 1 लाख तक का कर्ज माफ किया था, 1 लाख तक का कर्ज माफ हो गया था, फिर दोबारा कैसे हो गया? हमारे पास मैसेज भी आया था जिसमें से मात्र 640 रुपये बाकी रह गए थे, उसके बाद फिर भी कर्ज भी दोबारा आ गया, आज भी मैसेज है हमारे पास। लोग तो कह रहे हैं कि दौलत तिवारी तो रेस में भी नहीं। नहीं, दौलत तिवारी रेस में है, वो हमारा मत उन्हीं को है, वो वही पार्टी निकलेगी यहाँ से। दौलत तिवारी जी, आपके मन में क्या, युवा हो आपने, रोजगार है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है इसके लिए आप? आपको तो भाई से पता ही है कि भाजपा सरकार में कितनी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। अब यहाँ कई वर्षों से भाजपा सरकार के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, ठीक है, और जनता ने मन बनाया कि चलो ठीक है कांग्रेस भी अच्छा करेगी, तो जनता ने मन बना के कांग्रेस को जिताया। 5 साल उनका कार्यकाल देखिए आप, ठीक है, तो इस बार बदलाव का मन है और साइकिल पर वोट देने के लिए जनता तैयार है। साइकिल पे वोट देने के? तो साइकिल पे वोट तो है, अखिलेश यादव की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, अखिलेश यादव की क्यों बात कर रहे हैं? तो बीजेपी कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया यादव के लिए का? बीजेपी कांग्रेस को भी हमने वोट दिया है, क्यों नहीं दिया है बीजेपी कांग्रेस को वोट? अभी तक उनका कार्यकाल देख के अब बदला है मन तो साइकिल को वोट देंगे? क्यों, स्वराज जी की नीतियां सही नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। अभी भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, व्यापक घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, अब हम लोगों को क्या करेंगे जब बेरोजगार रहेंगे? तो आपके कांग्रेस से अरुण यादव आते हैं, तो यादव जी से यादव की बात करते हो यहाँ अखिलेश पे कैसे? नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं है, अब इनका कार्यकाल देख लिया, भाजपा कांग्रेस का बदलाव का मन है, साइकिल में वोट देने के लिए तैयार हम लोग। साइकिल में वोट देंगे इस बार, पूरे यादवों का मन है साइकिल में। दादा क्या है तैयारी? हमारी तो यह है तैयारी की ये टोटी बंद हो गई, गैर सुन लिया भैया, तो हम तो परेशान हो, देखियो महंगाई कहाँ पहुँची, नहीं खाती बोली, जब उन्हें नहीं समाज पता समाज तो बहुत नाराजगी है पूरे गांव में, नीरज की नाराजगी है। तो करूँ है ऐसा, 5 साल में का करूँ, कुछ नहीं करूँ। अच्छा, और कामाख्या के पिताजी पहले राजनीति में सक्रिय रहे, निर्दलीय विधायक बने, 2 बार विधायक वैसे ही बन गए थे, पार्टी से बीजेपी से भी रहे, कांग्रेस से भी रहे, मंत्री भी रहे, तो पा कामाख्या में कोई बहुत ही ज़्यादा कमी रही है? हमारे को तो जो है ऐसा है कि जो कोई ना करें लगे ना करूँ, अब तो दौलत तिवारी यहाँ विचार है कि वही लगा दो सज्जन दौलत, मतलब एकता हो गई। बताओ तुम्हारे मन में का है, का विकास रहेगा गांव में, का हो चुका? हमारे मन में वही जो आपको बताए हैं, का बताए हम बताए हैं कि यहाँ कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, अब अपना वही उद्देश्य है, सब लोगों ने अपने अपने पेट भर लिए हैं, ठीक है, अब अपन सोचते हैं कि एक अच्छा प्रत्याशी आया है सपा से, तो उनको ही मत रहेगा हमारा, कोई ऐसा नहीं है कि जातिवादी पे अपन
जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो सपा आई नहीं थी पहले, तो पहले भी तो हम कांग्रेस और भाजपा को ही वोट कर रहे हैं। इस गांव में विकास की क्या कमी है? मुख्य विकास का हो चुका है, विकास यहां पे कुछ नहीं हुआ है। आप रास्ता देख लो तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी, और आप कहां रख के गाड़ी आए हैं? 2 किलोमीटर दूर। और अगर विकास हुआ होता तो 2 किलोमीटर गाड़ी रखने की बजाय आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ की मुख्य बात हो गई रास्ता, आगे का बताओ। हाँ, रास्ता के अलावा यहाँ पे काफी लड़के पढ़े लिखे हैं, वो घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो यही सारी, और महंगाई है, महंगाई, हाँ, बेरोजगारी, इसी वजह से अपन सपा को देना चाहते हैं इस बार। हाँ, एक साइकिल है सब, हाँ दे लाई के दे, अभी यह दे लाई, नहीं तो बाद में ये भी फिर ये चले जाए आपका क्या विकास यहाँ गणेशपुरा में तो कहूँ नहीं भाव, बाकी अब हर जगह भाव तो कह नहीं सकते। यहाँ तो कोई विकास, कोई मतलब जो भी विधायक है बन जा सो दोबारा यहाँ पर फिर भूल जाते हैं कि पंचायत में मतलब कि मतलब एक विधानसभा में गणेशपुरा भी गांव आउट है। काश उनकी याददाश्त से बाहर हो जाते गणेशपुरा, खाली चुनाव के बीच भी आते हैं, नेता जवान भी हैं, इसके अलावा बंद लगा देते हैं, यहाँ भी आते ही नहीं हैं, इसी वजह से विकास क्या हुआ इस गाँव में? कितनी बार विधायक जी शायद हमें ध्यान तो नहीं है कि आए होंगे, एक आध बार आ गए हों, अगर ना हो शायद तो है नहीं, तो वे चुनाव के टाइम पे पहली बार नहीं है, जब से हम देख रहे हैं हम आज 28 साल की उम्र हो गई कम से कम, 28 साल के युवा हो। उस बार पूरे यादव समाज की बात हमने एक एक करके सुना है, और यादव पूरा बहुल इस बार जैसे सपा के साथ जाना चाहता है, अगर सपा के साथ जाता है और अखिलेश यादव की साइकिल पे सवार होंगे तो क्या कहीं ना कहीं उनका प्रचार करने के लिए घर से निकले? हाँ, प्रचार करने के लिए जाएंगे, हमने देखा अखिलेश यादव का सपोर्ट भी करेंगे, हमने देखा जो यूपी में दौलत तिवारी के साथ सब लोग एकत्र प्रचार भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शायद अभी काम भी कभी काम दस बजे जा नहीं पाए, प्रचार में भी जाएंगे वोट, मतलब जो हमने अखिलेश यादव यूपी में काम देखा वही हम देखना चाहते हैं कि एमपी में भी हो उसी प्रकार का, जो उनने यूपी में काम किया वो हमें देख कर अच्छा लगा कि उनने बहुत अच्छा बहुत विकास करे, वही हमारे एमपी में भी हो, शायद ऐसे यहाँ पर ही बन गए ना, इसी विचारधारा से सिस्टम हो गया, हम मतलब सपा में वोट देना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ यादव, उनसे हमने लगातार पूरे यादव परिवार से और यादवों का जो ये कुनवा है उनसे भी हमने बात किया है एक एक करके। यादव पूरा बहुल्य गांव लगातार सपा की बात करता है, और इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पे सवार होकर दौलत तिवारी की साथ जाकर घर घर जाकर प्रचार करेगा, और उनका साफ कहना है इस बार की बात जातिवाद की होगी, इस बार जातिवाद में पूरा चुनाव चलेगा, क्योंकि हर बात करेंगे ठाकुरों की तो यहाँ से कामाख्या प्रताप के साथ जातिवाद में ठाकुर जाने को तैयार है, यादवों की बात करेंगे तो यादव पूरा सपा में जाने को तैयार है, ब्राह्मण की बात करें तो नीरज दीक्षित के साथ जाने को तैयार है। इसलिए यादवों ने घर से निकलकर अखिलेश यादव की साइकिल को प्रचार करेंगे, अपने मन की बात बताई है कि इस बार हम सपा के साथ जाएंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।